अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर और निविया एलो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर का कंपैरिजन वीडियो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर की प्राइस की। तो इसकी प्राइस जो है वो आपको 57 रुपीज की मिल जाती है। अगर वही बात करें निविया एलो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर की तो इसकी प्राइस 49 रुपीज है। क्वांटिटी वाइज दोनों की सेम है गाइज, ये भी 50 ml आपको मिल जाती है और ये भी आपको 50 ml मिलती है। लाइक बात कर ले इन दोनों की पैकेजिंग की तो ये भी टब पैकेजिंग में ये दोनों ही आती है गाइज, आप देख सकते हो। लाइक पैकेजिंग वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों सेम है। बात कर ले जॉय स्किन फ्रूट की कंसिस्टेंसी की गाइज, तो इसकी कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा क्रीमी है, ना ज्यादा थिक है ना ज्यादा रनी है। अगर वही बात करें निविया एलो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर की कंसिस्टेंसी की, इनकी कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा थिक है, बहुत इजीली आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है। जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को थोड़ी चिपचिपी कर देती है, आपकी फेस थोड़ी चिपचिपी सी दिखती है। वही बात करें निविया एलो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर की तो ये मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी आपके स्किन को चिपचिपी नहीं करती है और आपके स्किन को बिल्कुल भी हैवी फील नहीं कराती है। बात करें जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर की फ्रेग्रेंस की गाइस, तो इसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा हैवी है। जिनको फ्रेग्रेंस एलर्जी है या जिनकी स्किन सेंसिटिव है उन लोग के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को सजेस्ट नहीं करूँ। वही बात करूँ निविया एलो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर की फ्रेग्रेंस की तो इसकी फ्रेग्रेंस काफी माइल्ड सी है। सो जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर और निविया एलो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, इन दोनों में पाराबीन है गाइस। जिन लोगों को पाराबीन प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है या जो लोग पाराबीन प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो वो लोग इन दोनों प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि ये दोनों में पाराबीन है। निविया एलो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर को ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले और एक्ने प्रो स्किन वाले यूज कर सकते हैं। अगर वही बात करें जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर की तो इसे ड्राई और ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं गाइस, लेकिन जिनकी स्किन पे एक्ने प्रो है या जिनकी स्किन बहुत सारे दाने हैं वो लोग इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज ना करें, लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो लोग इन दोनों प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज ना करें, मैं उन लोग को ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। सो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आपको एक हैवी मॉइस्चराइजर की नीड होगी। अगर आप लोग अपने फेस के लिए कोई एक अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो तो आप निविया एलो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर के साथ जा सकते हो, क्योंकि जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर से ज्यादा बेस्ट निविया का एलो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर होगा गाइज आपके फेस के लिए। लाइक अगर आप अपने बॉडी के लिए या हैंड्स के लिए कोई एक अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो तो आप जॉय के स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर के साथ जा सकते हो। सो गाइज अगर आपको निविया एलो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर और जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर पे मेरी ये कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।